हेलो फ्रेंड्स, मैं रजकांती स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसेस कट बोट नेक डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कपड़े को हम दो फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, हमने दो फोल्ड कपड़े को कर लिया है। तो देखिए, इसका लंबाई हम 14 इंच रखेंगे। और इस पर मार्क लगा लेंगे। और देखिए, हम शोल्डर 7 इंच रखेंगे। और आर्म होल भी हम 7 इंच रखेंगे, क्योंकि हमें ये बोट नेक बनानी है प्रिंसेस कट में, इसलिए हम 7 इंच रखेंगे। और 1.5 इंच पर इसका गोलाई दे देंगे। और नेक के लिए हम 4 इंच पर नेक का मार्क करेंगे। और देखिए, चेस्ट मेरा 32 इंच है, तो उसका चौथा भाग हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। और नीचे का 28 इंच है, तो हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और ऊपर से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, फिर 2 इंच के नीचे से भी हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसे मार्क कर लेंगे। तो पहले हम कटिंग कर लेंगे इसे। तो देखिए, इसी पर हम रख के दूसरा पार्ट को भी, फ्रंट पार्ट को तैयार कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के हम कपड़े को चौड़ाई जो है और बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट में बनानी है। और इसे अच्छे से बराबर कर लेंगे। और दोनों पार्ट को हम एक ही साइज में कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं, तो 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, हम साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस पर हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का मार्क कर। तो देखिए, बैक साइड के एक हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। और इसे हम 1.5 इंच पर गोलाई दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे पहले कटिंग कर दिया है। और इसी पर हम बोट नेक बनाएंगे। तो देखिए, इसका पूरा लंबाई हम 11 इंच रखेंगे। तो इस तरह की से नेक को हम लाइन ड्रॉ किया है और इसे हम कटिंग कर देंगे। आप कोई भी डिजाइन इस पर बना सकते हो। मेरे चैनल पर कितना भी वीडियो अपलोडेड है बैक नेक डिजाइन का, आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। तो देखिए, इसे हम बैक हुक बनाएंगे, इसलिए हमने बैक कटिंग कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो इस पर भी हम 8 इंच पर मार, 32 इंच चेस्ट है। और नीचे इस पर भी 28 इंच है, कमर तो 7 इंच पर एक मार्क करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हम 1.5 इंच एक एक्स्ट्रा लेंगे। और 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है वो ले लेंगे। और ऊपर से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा और ले लेंगे, क्योंकि इसमें हम प्रिंसेस कट के लिए ले रहे हैं। नीचे का 1.5 इंच और ऊपर से हम 1 इंच लेंगे। और गले का 4 इंच पर इस पर भी मार्क कर लेंगे। गले का नेक हम 6 इंच रखेंगे, इसे भी हम 1.5 इंच पर गोलाई दे देंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा, उसे हम कटिंग कर देंगे।
तो हम देखिए ये मेरा फ्रंट हुक नहीं है, इसलिए हम 3 इंच पर मार्क करेंगे एक, और 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, और 5.5 इंच पर मार्क करेंगे, और 2.5 इंच इसका लंबाई हम रख लेंगे, और इधर का 4.5 इंच पर, और इस लाइन से उस लाइन पर हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसे अपने हाथों से इसमें गोलाई दे दें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कटिंग कर लिया है, और बाजू को कटिंग करेंगे। बाजू का लंबाई हम 4 इंच रखेंगे, हमें ज़्यादा लंबे बाजू नहीं रखनी है। और देखिए हम एक साइड में हम 1/2 इंच कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम कपड़े पर भी कटिंग कर दिया है, तो चलिए इस पर मशीन पर चलते हैं। तो इस पर हम सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए इस पर हम सिलाई अटैच करेंगे। और इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। और ऊपर से भी एक सिलाई अटैच करेंगे, ताकि अच्छे से जो गला है वो फिनिशिंग से आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से भी एक सिलाई अटैच करना है। और पूरे में हम सिलाई को अटैच कर देंगे, कपड़े और अस्तर जो दोनों ज्वाइंट हो जाए। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहती हूँ अपने चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हम जो प्रिंसेस कट जो पार्ट है उसे भी हम अच्छे से इसे दोनों पार्ट को सिलाई से अटैच कर देंगे। वैसे ही दोनों पार्ट को हम तैयार कर लेंगे। और प्रिंसेस कट के हमेशा नीचे से ही ज्वाइंट करना होता है फ्रेंड्स, ऊपर से कभी ज्वाइंट नहीं कीजिएगा, ताकि इसका फिनिशिंग ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम प्रिंसेस कट के नीचे से ही ज्वाइंट करते हैं, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें ऊपर की तरफ निकल जाते है उसे हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पार्ट को ऐसे ही तैयार कर लिया हुआ है। और इस पर हम लेस अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट को तैयार कर लिया, वैसे ही बैक साइड को भी तैयार करेंगे। इस पर भी हम सिलाई अटैच करेंगे।
तो देखिए इस पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसी से इधर साइड हम कर लेंगे और ऊपर से भी इस पर भी हम सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए ऐसे हम दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है और इसे हम घटाओ पेटी और बढ़ाओ पेटी लगाएंगे हुक्स के लिए। तो हम दोनों में घटाव पट्टी और बढ़ाव पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए ऐसे हम सिलाई को अटैच कर लिए घटाओ पट्टी और बढ़ाओ पट्टी पर। तो देखिए फ्रेंड इस पर हम लेस अटैच करेंगे। आप इस पर कोई भी अपने पसंद का लेस अटैच करते सकते हो। तो देखिए इस पर एक धागा और हम लगा लेंगे ताकि अच्छे से जो लेस वो बढ़ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स एक लेस हम और बैठाएंगे ताकि इसका खूबसूरती वो अच्छे से लगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने लेस को वैसे ही दूसरा पार्ट को भी हम तैयार कर लिया है और शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। ये लेस लगाने से बहुत ही इसका खूबसूरती आ गया है फ्रेंड्स। देखिए दोनों हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। ये मेरा बाजू है, बाजू को भी हम अटैच करेंगे। बाजू पर भी हमने एक लेस अटैच कर दिया है। बाजू को हमेशा बीच साइड से ज्वाइंट करें। तो देखिए फ्रेंड्स हमने बाजू को अटैच कर दिया, वैसे ही हम दूसरा बाजू को भी अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम दोनों बाजू अटैच कर लिया है और एक ऊपर से हम सिलाई अटैच करेंगे।
और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने बैक साइड में इस पर हम टॉक्स लगाएंगे, इसका टॉक्स हम 1 इंच और इसका लंबाई 5 इंच रखेंगे। वैसे ही हम दोनों तरफ से टॉक्स लगा लेंगे और नीचे के पार्ट को भी हम तैयार कर लिया है और फिटिंग की सिलाई देंगे। देखिए फ्रेंड्स 5.5 इंच बाजू है, 11 इंच इसका गोलाई है, तो हम 5.5 इंच पर इसका मार्क करेंगे। और चेस्ट है 32 इंच, तो 8 इंच पर मार्क करेंगे। कमर है 28 इंच, तो हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। वैसे ही दूसरा तरफ भी मार्क कर लेंगे। आप इस तरह से फिटिंग करेंगे तो आपको ब्लाउज कोई भी गड़बड़ी नहीं आएगी। तो इस पर हम सीधी सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। यदि ये मेरा वीडियो आप लोग का पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।